जॉर्जियस एनिमल्स, इट्स कलर इज लाइट ब्राउन, प्रोवाइडेड विथ न्यूमीरियस स्मॉल व्हाइट पैचेज, इसके बॉडी के ऊपर में स्मॉल पैचेज मिलता है। इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंटायर कंट्री, इंटायर कंट्री पूरे सब कंट्री में लगभग यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मेल इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड विथ ब्रांच्ड एंटलर्स, द लेटर आर सेड एंड रिन्यूड एनुअली। चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या है। बियर के बारे में पहले हम लोग देख रहे हैं। बियर मतलब भालू होता है, इसको हम लोग वैज्ञानिक नाम मेलेडस यूरिसिनस के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि थ्रू इट इज ए रैदर स्लगिश एनिमल, या स्लगिश एनिमल के रूप में है, हुज बॉडी पूरा बॉडी पर बाल ही होता है, हुज बॉडी रिमेन कवर्ड विद ए लॉन्ग ब्राउन हेयर्स, इसलिए इसको स्लगिश कहा गया है। इट कैन क्लाइंब ऑन ट्री, या पेड़ों पर चढ़ जाता है आसानी से। ये इट इज फाउंड इन इंडिया एंड इज ओमनीवोरस, ये इंडिया में मिलता है और ये ओमनीवोरस के रूप में है, मतलब सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है। इट फीड ऑन फ्लावर फ्रूट्स हनी एंट्स एंड टर्माइट्स, यह फल को फूल को शहद को चींटियों को या टर्माइट्स जो होता है पंख वाला, जो गर्मी के दिनों में पंखों की तरह उड़ते आता है, पंख लेके आता है फिर पंख छोड़ के चल जाता है, मर जाता है, तो उस तरह से ये उसी को टर्माइट्स बोलते हैं, तो वो उस रूप में मिलता है। चीता या इसको स्पॉटेड डियर के नाम से जानते हैं। एक्सिस, एक्सिस इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। इट इज ब्यूटीफुल जॉर्जियस एनिमल, यह सुंदर और जॉर्जियस होता है, देखने में आकर्षक होता है। इट्स कलर इज लाइट ब्राउन प्रोवाइडेड विथ न्यूमीरियस स्मॉल व्हाइट पैचेस, इसके बॉडी के ऊपर में उजला उजला धब्बा होता है। इट इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ इंटायर कंट्री, यह जंगलों में भारत के जंगलों में ये पूरा पाया जाता है। मेल इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड विथ ब्रांच्ड एटलस, द लेटर आर सेड रिन्यूड एनुअली, ठीक है। मेल इंडिविजुअल जो होता है वह उसके वो मुख्य रूप से पेड़ के शाखाओं पे रहता है, वही उसका घर होता है, ठीक है। और सालाना हर साल ये काम ऐसा करता है, पेड़ के शाखाओं पे जाके अपना रहना शुरू करता है, ठीक है। आज रॉकी को नींद टूट गया, नहीं चलिए ये हो गया सब लोगों का, हो गया तो अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ब्लैक डक और काला हिरन के बारे में। ब्लैक डक और काला हिरन के बारे में पढ़ना है, या इसी को काला हिरन नहीं, कस्तूरी मृग के इसको बोलते हैं।
उसके बारे में पढ़ना है। हो गया रोहन। हाँ हो जाएगा रोहन, तो बोलिएगा। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर। मुस्क डियर, या इसी को बोलते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग हो गया, इसी को हम बोलते हैं मुकस मौछली फेरस। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। इट इज सॉलिटरी एंड फाउंड इन हाइयर रेंज रेंजेस ऑफ द हिमालय इन कश्मीर, कश्मीर यूपी एंड सिक्किम, यूपी एंड सिक्किम, इन क्षेत्रों में यह कस्तूरी मृग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिवाइड ऑफ एंटलर्स मेल इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड विथ ओडरस ग्लैंड अंडर इंट्यूगमेंट ऑफ एब्डोमेन ऑब्डोमेन विथ ए मेन इंडिविजुअल प्रोवाइडेड विथ ए ओडोरस ग्लैंड अंडर द इंट्रीगमेंट ऑफ एब्डोमेन विच इज नोन एज मस्क। लेटर इज यूटिलाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स
वेरियस काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक, वेरियस काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। चलिए, तो ये हो गया कस्तूरी मृग के बारे में। इसको मोचलस मेसनी फेरस के नाम से जानते हैं। इट इज सॉलिटरी एंड फाउंड इन हायर रेंज, ठीक है, हायर रेंज के क्षेत्र में, मतलब हिमालय में जहाँ पे ठंडा प्रदेश है, कश्मीर में, सिक्किम में, इन सब क्षेत्रों में, पहाड़ी वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। इट इज डिवाइड ऑफ एंट्रलस, मेल इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड विथ ओडोर ग्लैंड। जो मेल होता है इसमें कस्तूरी मृग में, तो उसके पास एक खास तरह के स्मेल होता है, गंध होता है, अंडर अंडर द इंक्यूबमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन से सटा होता है, विच इज नोन एज मस्क। इसको हम लोग मस्क के नाम से जानते हैं। द लेटर इज यूटिलाइज इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका प्रयोग जो है कई तरह की दवाइयां बनाने में किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयां जो बनती है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में सारी बातें। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला पढ़ना है आपको, ये हो गया मृग के बारे में। काला हिरण के बारे में देखते हैं। दसवां, इंडिया की खूबसूरती में इसका इस सबका बहुत बड़ा स्थान है। ब्लैक बक और काला हिरन, ब्लैक मतलब बक या काला हिरन कहते हैं। इट इज फास्ट फास्ट रनर, ये बहुत तेज दौड़ने वाला होता है रनर। प्रोवाइडेड विथ परमानेंट अनब्रांच्ड स्क्रूविड हॉर्न एंड लिव्स इन ओपन फील्ड फील्ड ऑफ पंजाब कश्मीर, इन सब क्षेत्रों में यह मिलेगा। तो ये हो गया किसके बारे में, काला हिरण के बारे में। बहुत तेज दौड़ने वाला एनिमल में पाया जाता है। फाउंड इन द परमानेंट अनब्रांचेस स्क्रूड हॉर्न, इसके जो है इसमें सिंग मिलता है, और इसके अलावा जो है यह मुख्य रूप से पंजाब और कश्मीर के क्षेत्रों में काला हिरण देखने को ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिसोन और गौर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बैस ग्यूरस, क्या होता है। इट इज वाइल्ड रिलेटिव ऑफ ऑक्सेन, ये भाई मतलब क्या बोलते हैं, बैल की प्रजाति है। इट इज बिग साइज्ड विथ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, काफी मजबूत होता है। इट इज फाउंड इन बांदीपुर, इन बांदीपुर ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक बांदीपुर उद्यान है उसमें यह मिलता है, कर्नाटक में है। इट इज बिग हॉर्न, इसका बहुत बड़ा सिंह होता है, हॉर्न बारहसिंघा की प्रजाति का समझ सकते हैं। ये आर टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोजेक्टेड आउटवर्ड,
प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। चलिए प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, इट इज ब्लैक ब्राउन इन कलर, इट इज ब्लैक ब्राउन इन कलर। चलिए एक बार समझ लेते हैं फिर से, क्या करता है मस्क डियर? कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग के पास एक खास तरह के सुगंधित पदार्थ होता है, ठीक है। वो जो सुगंधित पदार्थ होता है उसके ठीक उसके मतलब नाभि में होता है, बेल बटन में होता है, स्टोमक के पास, और उसको लगता है कि कहाँ से स्मेल आ रहा है, कहाँ से गंध आ रहा है, ठीक है। और इस चक्कर में वो जहां तहां घूमती रहती है कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, लेकिन सुगंध उसके बॉडी के खुद ही पार्ट से आते रहता है, ठीक है। ये ऐसा हिरन है जो जिसके अंदर एक खास तरह के सुगंधित पदार्थ होता है और बहुत ज्यादा वो स्मेल करता है, और उसको लगता है कि यह जो स्मेल है वो कहाँ से आ रहा है, किस पार्ट से आ रहा है, ठीक है। यह हिमालय, कश्मीर और सिक्किम के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या कहता है, यह मेल, यह जो होता है इसके पास खास तरह के स्मेल होते हैं, ठीक है। द लेटर इज यूटिलाइज इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और उसका उस मृग का जो ये सब्सटेंस होता है उसका उपयोग बहुत तरह के मतलब दवा वा बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक काला हिरन, इट इज ए फास्ट रनर प्रोवाइडेड विथ ए परमानेंट अनब्रांच स्टू हॉर्न, सिंग होते हैं बिना उसमें सिंग में ब्रांच नहीं रहता है, नॉर्मल सिंग होता है, और ये पंजाब और कश्मीर के क्षेत्रों में मिलता है। इसी के मतलब इसी काला हिरन के शिकार करने के मामले में सलमान खान को जेल नहीं हुआ, धोखाधड़ी और रह गया। अगला पॉइंट, बिसन और गौर, इट इज अ वाइल्ड रिलेटिव ऑफ ऑक्सन, इट इज अ बिग साइज विथ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, ठीक है। ये गौर जो होता है, बारसिंघा जो होता है, इसके सिंग बहुत मजबूत होता है और बांदीपुर में कर्नाटक में मुख्य रूप से मिलता है। इट इज ए बिग हॉर्न, इसका लंबा सिंग होता है, स्ट्रांग होता है, और कहता है प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, इट इज ब्लैक ब्राउन कलर, ठीक है। सिंग बहुत बाहर की तरफ भी निकला रहता है और यह भूरा कलर का देखने में आपको मिलता है। अब आता है वाइल्ड बफैलो, सब लोगों का हो गया, तीन बाकी है अभी और। वाइल्ड बफैलो, चलिए रॉकी कथी कर रहा था जब नहीं लिखा है। तो जल्दी कीजिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब अगला देखते हैं, 12 नंबर, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस। इसको हम लोग बोलते हैं, भैंस का साइंटिफिक नेम है बैस बुबेलिस, ठीक है। इट इज लार्जर इन साइज, या आकार से बड़ा होता है। इट इज लार्जर इन साइज इन कंपेरिजन, इन कंपेरिजन टू इट्स डोमेस्टिकेटेड रिलेटिव, डोमेस्टिकेटेड रिलेटिव दिस लाइक्स टू लिव इन मर्सी लैंड्स एंड फाउंड इन असम, एंड फाउंड इन असम एंड बस्तर, एक जगह है एमपी में पड़ता है, वहां पर ही आपको देखने को भैंस की प्रजाति है, जंगली भैंस देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 13, हाइनिया, हाइना इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग साइंटिफिकली हाइजीना, हाइजीना हाई हाइजीना हाइजीना के नाम से जानते हैं। इट इज कार्निवोरस, इट इज कार्निवोरस एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, एनिमल्स फाउंड थ्रू आउट इंडिया, फाउंड थ्रू आउट इंडिया, इंडिया वॉन्डरिंग इन पेरिफेरल, पेरिफेरल रीजन ऑफ फॉरेस्ट थ्रू इट इज ए स्केवेंजर एट प्रेज अपॉन शिप और गॉड, शिप और गॉड। लास्ट है 14 नंबर, नीलगिरी, नीलगाय इसको कहते हैं, नीलगिरी नहीं नीलगाय। सामिया इसको गांव में कहा जाता है। बेसी लैपिस ट्रैगो, बेसी लेफिस ट्रेगो कैमुलस, इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्या होता है? इट कंसीडर्ड टू बी द वाइल्ड, टू बी द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड काउ, हेंस वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, फुल स्टॉप। इट ब्लू कलर्ड, ब्लू कलर्ड ये ब्लू कलर का होता है। मेल इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स आर प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल स्मूथ स्मॉल स्मूथ एंड ए स्ट्रेट हॉर्न्स। चलिए इतना बात हो गया, क्या क्या कहा गया। पहले तो वाइल्ड बफेलो के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड बफेलो क्या है, कह रहा कि इट इज लार्जर इन साइज, आकार में यह लार्जर होता है, इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिकेटिव रिलेटिव्स, जितने भी हम लोग गाय भैंस पालते हैं उसके तुलना में इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। दिस लाइक टू लिव इन मर्सी लैंड्स, जहाँ दलदली भूमि होती है उन क्षेत्रों में यह पाया जाता है, एंड फाउंड इन असम एंड बस्तर एमपी, यह मुख्य रूप से आसाम में और एक बस्तर एरिया होता है, जिला है एमपी में, वहां पे मिलता है वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस। हाइनिया, हाइनिया एक इसी को बोलते हैं, हाइजेन हाइगेना, इट इज कार्निवोरस, ये मुख्य रूप से मांसों खाता है, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, धरती पर रहने वाला एनिमल है, फाउंड थ्रू आउट इंडिया, वंडरिंग इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल में भटकते रहता है। थ्रू इट इज ए स्केवेंजर, इट इज ए प्रे एंड सीप और गॉट, इसको बकरी उकरी अगर ढेर उड़ मिल जाता है तो उसी को खा के अपना जीवन चलाता है। सर आज सिर्फ दो ही स्टूडेंट एबसेंट है 17 में से। हाँ ये बात बहुत बड़ी बात है कि 17 में से दो ही स्टूडेंट आज एबसेंट है। ठीक है, एक वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मनिया से। ठीक है चलिए, नीलगिरी के बारे में बात कर रहे हैं। नीलगिरी के बारे में इसी को हम लोग बोलते हैं बैसली लोफिस टार्गो कैमल्स, वो दूगो स्टूडेंट रेगुलर में से एबसेंट है, जो रेगुलर में आता है उसी में से कोई दूगो एबसेंट है, मतलब सब लगभग 17 में से 17 रहता ही है सब दिन। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिकेटेड काउ, ठीक है, यह मुख्य रूप से पालतू जो है डोमेस्टिकेटेड जो है वो होता है, और हेंस वर्शिप इन द मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कुछ स्टूडेंट था जैसे 24-25 वो था टोटल, कुछ उसमें से हट गया बाद में, वो कहा जुट जाएंगे पेमेंट कर देंगे तो किया नहीं, तब जुड़ा भी नहीं। ठीक है, इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री इट इज ए ब्लू कलर्ड, या ब्लू कलर का होता है, मेल डिवाइडेड एंड प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल स्मूथ एंड स्ट्रेट हॉर्न। ठीक है, मेल के पास जो होता है छोटा सा सींग होता है और स्ट्रेट हॉर्न, स्ट्रेट होता है सींग स्मूथ, ये सब चीजें है। ये आपको ये बकरी की तरह आपको देखने को मिलता है, ये नीलगाय जो है वो बकरी की तरह ही देखने को मिलता है, सब उसी की तरह उसकी बनावट भी होती है पैर तर, लेकिन थोड़ा सा उसका शेप चूंकि बड़ा रहता है। ठीक है, और ये हम मतलब हर देश में या हर कंट्री के हर क्षेत्र में, इंडिया में हर क्षेत्र में ये आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था कि इंडिया में कौन कौन से जीव है, एनिमल्स है, और क्या उसकी क्रिटेरिया है, क्या क्या करता है। अब जो जानवर लॉस्ट हो रहे हैं हम लोग के यहाँ, उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो मुख्य रूप से कहा गया कि चार कारण है जिसकी वजह से आप आपके जो जंगली जानवर है आपके क्षेत्र को छोड़कर चले जा रहे हैं या लॉस्ट हो रहे हैं। तो हेडिंग पॉइंट्स कर देते हैं, अगले दिन उस पर विचार करेंगे। चलिए सबका हो जाएगा तो बोलिएगा। हाँ चलिए तो मिटाते हैं। ठीक है आप लोग ले लीजिए, शाम के टाइम में 5 बजे से लेकर 6 बजे के टाइम में covid.in पर बुक होता है, covid.in पर, covid.in पर यहाँ पर जाके बुक कर लीजिएगा, और टीका हर हाल में सब आदमी ले लीजिएगा। शाम के टाइम में बुक करना है, बुक करने के लिए सारा ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अपना आधार कार्ड उसमें जोड़ लीजिए, आधार कार्ड जोड़ने के बाद ऑप्शन आएगा किस टाइम में आप लेना चाहते हैं, उसमें 11 से 1 बजे रहता है, 1 बजे रहता है, फिर 3 बजे से 5 बजे में रहता है, जो आपको टाइम सुलभ हो उस टाइम में कर लीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर फिर टीका बुक हो जाता है टोटल, तो मोबाइल लेके बैठिएगा तब हो जाएगा। ठीक
है, एक ही टीका मिल रहा है कोविशील्ड करके, टीका सब आदमी को मस्ट है, ले लीजिए, जितना ले जल्दी ले लीजिएगा उतना जल्दी सुरक्षित है। अब देख रहे हैं कि कारण क्या है कि जंगली जानवर विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज, जो जंगली जानवर है वो क्यों विलुप्त हो रहे हैं। आधार कार्ड या 18+ नहीं है? अच्छा 18+ नहीं है, नहीं, अच्छा तब तो दिक्कत है। बाकी चीजों पर है, वोटर आईडी कार्ड तो वो भी चल सकता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्रिएट्स न्यू स्पीसीज एंड इलिमिनेट्स सम ओल्ड स्पीसीज ओल्ड स्पीसीज दिस एग्जिस्टेंशन ऑफ ए स्पीसीज इज ग्रेजुअल एंड नेचुरल ग्रेजुअल एंड नेचुरल प्रोसेस समटाइम्स दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग अच्छा सर कुंडली में है सिर्फ आधार कार्ड, कुंडली में सिर्फ 18 है, कुंडली में 18 है। हाँ ठीक है, ह्यूमन बींग्स विच डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ नेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑब्वियसली सीन एक्टिविटीज एक्सटिंक्शन आर फॉलोज, कुछ कारण है जिसकी वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं। क्या क्या कारण है? तो पहला हो गया कि वृक्षों को हम लोग धड़ल्ले से काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन एक कारण हो गया। दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनाने की वजह से हो गया। तीसरा हो गया पॉल्यूशन, प्रदूषण की वजह से हो रहा। चौथा हो गया हंटिंग, शिकार करने की वजह से हो रहा। चार कैटेगरी में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, कि जंगली जानवर जो हो रहा है वो विलुप्त क्यों हो रहा है। कह रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्रिएट न्यू स्पीसीज, जितने भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे का आना या नई चीजों का जो परिवर्तन होता है कार्बनिक चीजों का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ जो पुराने जीव होते हैं वो उसको सह नहीं पाते हैं और इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है कि पुराने वाले को जाना पड़ता है। अभी कोरोना के काल में अधिकांश बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो चले गए, तो ये कंडीशन
कंडीशन एक होता है कि आप परिवर्तन किसी भी तरह का करते हैं तो परिवर्तन होने के बाद नए स्पीसीज कहीं ना कहीं से विलुप्त जाते हैं। दीज एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ग्रेजुअल एंड नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि हाँ मतलब अगर परिवर्तन होगा तो पुराने वाले स्पीसीज को जानना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको सर्वाइव करने में दिक्कत होने लगती है। अब कहता है कि समटाइम्स दोज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज डिस्टर्ब डेली, ठीक है, आपके द्वारा भी कई तरह की एक्टिविटी होती है, आप खाद बीज इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो केमिकल्स हैं या मोबाइल आपका है रेडिएशन छोड़ता है, तो उसकी वजह से पक्षियां हो गया या जो जानवर हैं वो सारे विलुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो आपके एक्टिविटी के वजह से भी बहुत सारा चीज जो है वो हम परिवर्तित हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ नेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एग्जिस्टेंस सम मोस्ट ऑब्वियस सीड एक्टिविटीज विच काउज बी एग्जिस्टेंस, कुछ जो सबसे बड़ा कारण है उसमें सबसे पहला कारण आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब हो गया वृक्षों की कटाई, एक होता है एफोरेस्टेशन, एक होता है रिफोरेस्टेशन। तो जब पुराने कटे हुए जगह पर नया पौधा लगाते हैं तो उसको कहते हैं रिफोरेस्टेशन, ठीक है, कटा हुआ जगह नहीं, नया जगह अगर है वहां पे पौधा लगाते हैं तो उसको कहते हैं एफोरेस्टेशन। तो हम लोग क्या है, ये जो डिफोरेस्टेशन है वृक्षों की कटाई है घर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, तो पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसमें रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो खास करके एग्जिस्ट रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डैम उम बनाया जाता है, मान लीजिए डैम बना रहे हैं और जंगल वाला एरिया है तो डैम बनाइएगा तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा, अब वो पानी बढ़ेगा तो पीछे के एरिया में बहुत ज्यादा फैल जाएगा, अब उस एरिया में अगर मान लीजिए कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल रह रहा है तो वो तो स्वाभाविक बात है कि वहां से लॉस हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको रहने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो डैम का कंस्ट्रक्शन कई बार जो है वो पानी को ब्लॉक करता है, हाँ मछली की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, बर्ड वहां से विलुप्त हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल जो होंगे वो विलुप्त हो जाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन डैम बनने की वजह से ये समस्या होता है। तीसरा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो होता है बहुत तरीके का है, एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है और सॉयल पॉल्यूशन है। तो हम सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करता है कि पानी में नदियों में छोड़ देता है, जिससे नदी का पानी जो होता है वो काला पड़ जाता है, और इसकी वजह से काला पड़ गया तो उसमें जो रहने वाली जो मछलियां हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो जानवर आके पानी पिए वहाँ का, वो जहरीला पानी होता है उसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। आप पशु उसे छोटा मोटा पाले हुए तो उसी में जाके सब कुछ कराइएगा तो पॉल्यूशन उससे भी होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी केमिकल्स है, फैक्ट्री चल रहा है कुछ भी चल रहा है, तो उसमें केमिकल्स है और केमिकल्स हवा में छाता है तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा चीज है जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज क्या हो रहा है, पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं या संकट में आ रहे हैं, संकट का कारण बनता है ये, ठीक है। लास्ट में है हंटिंग। हंटिंग क्या होता है, हम जानते हैं कि जानवरों में बहुत सारे जानवरों को हम लोग किसी न किसी उद्देश्य से हंट करते हैं, वो कारण क्या हो सकता है, वो कारण हो सकता है जानवरों के छाल के लिए, उसके सींग के लिए, उसके दांत के लिए, ठीक है, इन सब कामों के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मारते रहते हैं, किलिंग करते हैं, और जिसकी वजह से वह लॉस हो जाता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी से जानवर जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि जो स्पीसीज है वो डिसअपियर क्यों हो रहा है, ठीक है, रेयर क्या हो रहा है। तो इसमें हम लोग चार चीज को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंडेंजर्ड जो खतरा में है उसको, एक बोलेंगे वेलरेबल जो वेलरेबल है फिर भी लॉस्ट हो रहा है, दूसरा पढ़ेंगे रेयर धोखा की मिलता है, एक है थ्रेटेंड डरे हुए हैं भयभीत हुए हैं। तो कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंशन देखेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ को कैसे हम लोग कंजर्व करें, कैसे बचाए वो देखेंगे, फिर नेशनल पार्क इंडिया में, फिर सेंचुरी देखना है। टॉपिक चूंकि लंबा है लेकिन पढ़ लीजिएगा तो जीवन में इससे ज्यादा कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और हर जगह इतना ही काफी होगा आपको, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है, अगले दिन के क्लास में हम लोग इसके लॉस्ट होने के पीछे कारण देखेंगे, ठीक है, इसके अलावा इसको कंजर्व कैसे किया जाए इस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया, अगले दिन हम लोग का इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सब लोगों को समझ में आया, कहीं दिक्कत किसी को दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत है तो। समझ में सबको आ गया है सर, डाटा 15 का
डेट 15 का छूट गया सर। अच्छा 15 का छूट गया है, 15 का छूट गया है तो 15 के लिए सिम चेंज काहे नहीं की, तुम कह रहे हैं सिम चेंज कर लो। तो 15 को जो छूट गया है तो 15 का हम लिंक तुमको भेज देंगे, कर लेना वहां से। ऐसे जो आप लोग का कोर्स होता है किसी किसी दिन नहीं भी देता है वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है, किसी किसी दिन देता है। आज कितना तारीख है, 17 तारीख है, तो 15 का तो रिकॉर्ड अभी होवे करेगा गुरु, देख लोगे अभी तो रिकॉर्डिंग फाइल में होवे करेगा 15 का, तो उसमें लिंक भेजने का जरूरत तो नहीं है, 15 को तो होवे करेगा रिकॉर्डिंग फाइल में, जाके देखोगे ऐप में रिकॉर्डिंग फाइल में मिल जाएगा। और किन्हीं को कोई दिक्कत, रागिनी, संजना, रॉकी, इसके बाद है आरती सर, बोटनी में ऑब्जेक्टिव दीजिए। बॉटनी में ऑब्जेक्टिव तो दे दिए हैं ग्रुप में, सब हो गया याद, ग्रुप में तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फाइल में जाके स्टडी मटेरियल में सब हो गया कंप्लीट, टेस्ट ले ले उसका क्या, फिर हो गया है तो हम तो दे दिए थे, वो तो ऑब्जेक्टिव दे दिया हुआ है, तुमको नहीं मिला है क्या, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है तो हम नया देंगे, पहले पूछ लेंगे उसके बाद एक दो दिन। सर बहुत ऑब्जेक्टिव है, ठीक, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना क्वेश्चन है टोटल, 150, तो 150 कोई ज्यादा तो नहीं हुआ, एक चैप्टर से 150 है तो कोई ज्यादा नहीं है, चार को चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है, तैयारी कीजिए ना, हो जाएगा, 150 क्वेश्चन है तो तैयारी करिएगा तो हो जाएगा। कंचन तुमको थोड़ा देखती ना, तुमको बार बार कह रहा है, तुम्हारा मैसेज आते रहता है कंपनी की तरफ से। चलिए हो गया सब लोगों का, कंचन को दिक्कत है तुमको, कंचन मुजम्मिल रवि रंजन और कौन है, रवि रंजन हो गया, धर्मनाथ, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन के क्लास में हम लोग। सोनी हो गई, चलिए राजनारायण हो गया, सब लोग ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगले दिन हम लोग मिलते हैं, लीव हो जाइए एक एक करके सब आदमी। अच्छा टेस्ट नहीं लेंगे आप लोग, पूछिए कि लेंगे टेस्ट, लीव हो जाइए सब लोग।